लॉकडाउन के बीच देश भर में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच बिहार के भागलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां के नौगछिया के खरी गांव में ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया, जिसमें 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि इसमें कई मजदूर दब गए। दरअसल बस में प्रवासी मजदूर सवार थे, जबकि लोहे से भरे ट्रक में कुछ मजदूर साइकिल लेकर सवार थे। मौके पर राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। मजदूरों के शवों को निकालने के लिए जेसीबी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। वहीं घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवासी मजदूरों को लेकर बस दरभंगा से बांका जा रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ। जिस ट्रक से बस की टक्कर हुई उसमें लोहे के पाइप लोड थे, ऐसे में ट्रक पर सवार कई मजदूर लोहे की पाइप के नीचे दब गए हैं। आपको बता दें कि यह हादसा नवगछिया खरीक के अंभो चौक के पास हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना समेत कई इलाकों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और राहत बचाव का कार्य शुरू किया। News Desk.